ज्ञान का सम्मान होता था कभी, वो चलन भी उठ गया। आज सम्मान है केवल बल का राजा की दृष्टि में, पर बुद्धि बल से बड़ी होती है, ये धनानंद क्या जाने। वो तो रास और बल को ही समझता तथ्य है, पर विजय बुद्धि की होती है, यही सत्य है। आचार्य, हमारी आंखों के सामने आपके पाँव में कांटा लग गया। हमें बहुत बुरा लगा आचार्य, पर हम कर भी क्या सकते थे। पाँव में कांटा चुभना था दुर्भाग्य, पर महत्वपूर्ण ये है कि फिर क्या किया मैंने। हम दोनों भी यही देख रहे थे आचार्य। आचार्य, ये कोई तंत्र क्रिया तो नहीं। जो कष्ट मुझे हुआ वो दूसरों को ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस कष्ट के कारण को ही नष्ट करना है आवश्यक। झाड़ी में मट्ठा डाल के कैसे आचार्य। झाड़ी में मट्ठा आमंत्रण है उन चींटियों को जो अब आएंगी और मिटा देंगी झाड़ी को जड़ से। तत्पश्चात ये मार्ग हो जाएगा कांटों बिना सहल सबके। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं, समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। जब कभी हमारे सामने अचानक एक के बाद एक अपेक्षा से कहीं अधिक संयोग होने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ अनुचित हो रहा है। जीवन मरण ईश्वर के हाथ होता है, लेकिन कभी कभी सिद्धांतों को एक और रख व्यवहारिक बनना पड़ता है आचार्य। ईश्वर से बड़ा ना कोई व्यवहार ना ही कोई सिद्धांत। कम से कम अंतिम समय तो हट छोड़ दीजिए चाणक्य, तो फिर आपके पास पछताने तक का अवसर नहीं रहेगा। ईश्वर को सच्चे मन से स्मरण करने वाले को कभी पछतावा नहीं होता। दिन में सूर्य की स्थिति और उससे पड़ने वाली परछाई दिशा और काल की जानकारी देती है, जो यात्रा में बहुत काम आती है। त्रस्त जनता अपने दुखों से लड़े या अपने लिए कोई उपयुक्त सम्राट गढ़े, इसमें जनता को क्या दोष देना, उनका तो हमें कल्याण करना होगा। पर सच है किसी भी समाज का परिवर्तन बाहर से आयात नहीं होता, सवेरा वहीं होगा जहां रात होगी। मगध का भावी सम्राट मगध में ही होगा। हो सकता है कि वो अपनी ही क्षमताओं से अनजान हो, पर होगा मगध में ही। सम्राट होते नहीं, बनाने पड़ते हैं। अखंड भारत बनाने के लिए पहले उसके सपने दिखाने पड़ते हैं। हे सूर्य, हे अंधकार मिटाने वाले प्रत्यक्ष देव, मेरे देश का तम मिटा, मेरे मन का भ्रम मिटा। जो योग्य हो प्रजा कल्याण में, जनपदों को जोड़कर इतिहास जो गढ़ दे, बैठे मगध में परंतु विस्तार देखे, मुझे उससे मिला। हो कल्याण सबका। ओम सूर्याय।